ग्वालियर पीएमटी और व्यापम फर्जीवाड़ा के देशव्यापी रैकेट के खुलासे के बावजूद अभी भी लोग पैसों के लालच में फर्जी परीक्षार्थी बनने से बाज नहीं आ रहे हैं। ग्वालियर में बुधवार को एक ऐसा ही मामला श्रीमंत माधव राव सिंधिया स्वशासी विज्ञान महाविद्यालय में सामने आया है, जिसमें बिहार के बेगूसराय जिले के वीरपुर से परीक्षा देने आई महिला को पकड़ा गया है। महिला अपने भाई के साथ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देने यहां आई थी, लेकिन पर्यवेक्षक ने फोटो मिसमैच होने की शंका में उससे पूछताछ शुरू की। पहले तो मूल परीक्षार्थी बनी पूजा कुमारी ने पर्यवेक्षक को टहलाने की कोशिश की, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर इस महिला ने सच्चाई कबूल कर ली। यह महिला सुजिता कुमारी के स्थान पर परीक्षा दे रही थी, जबकि परीक्षार्थी बनी इस महिला का नाम पूजा कुमारी है। फर्जी परीक्षार्थी बनने के लिए इसके भाई अनिमेश चौधरी ने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। बीएड परीक्षा में शामिल होने के लिए यह सौदा कितने पैसों में तय हुआ था, इसका खुलासा करने में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल केंद्र अध्यक्ष की शिकायत पर झांसी रोड थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोनों भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया है। वो कमरा नंबर 33 में लड़की बैठी थी परीक्षा देने के लिए, तो वहाँ के जो वीक्षक थे उनने उनको डाउट हुआ, मिलान किया आईडी से, तो चेहरा नहीं मिल रहा था उसका। फिर बाहर पूछताछ की उससे, तो उसने स्वीकार कर लिया कि मैं दूसरा वो कैंडिडेट नहीं हूँ। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्या बताया, कहाँ की रहने वाली लड़की? अपने को बेगूसराय का रहने वाली बता रही, वीरपुर का, बिहार का। यहाँ कैसे आई, कुछ भाई भी इसके साथ में आया था? वो मुझे नहीं ज़्यादा जानकारी। क्या बताया क्या उसने, क्या कैसे आई? जैसे भी आई बस इतना ही मालूम। हाँ, जो सांस्कृतिक केंद्राध्यक्ष थे वहाँ पर बी एड का एग्जाम हो रहा था, तो उन्होंने संबंध शिकायत की है कि कोई मूल अभ्यर्थी की जगह पे कोई दूसरा परीक्षार्थी पेपर दे रहा था, जिस संबंध उन्होंने शिकायत की है उस पर अपने अपराध पंजीबद्ध कर लिया और विवेचना जो भी तक सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।